क्या तुम हो कहाँ? ठीक है मैं आता हूँ अभी। इमरान, इमरान, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तू रो क्यों रहा है? नहीं भाई, बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। मुझे बता क्या हुआ? रो क्यों रहा है? अरे रो मत, बता क्या हुआ? बता तुझे याद है मैंने तुझे उस लड़की के बारे में कहा था जिसे मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा था? हाँ वो लड़की ना। हाँ वही। फिर क्या हुआ? कुछ दिन पहले वो मुझे कॉफी शॉप में मिली। अकेले बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो उसने ऐसा बिहेव किया जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। Have a seat. इससे पहले कि मैं कुछ कहता, Waiter. One cappuccino with brown sugar. मैं जानती हूँ आप कॉफी के साथ ब्राउन शुगर लेते हैं। इनफैक्ट आपकी हर मिनट की खबर मेरे पास है। सरप्राइज्ड? डोंट बी। ये जो भी ऑर्डर लेकर गया है उसने मुझे सारी बातें बताई कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। हम कॉफ़ी बिना पिए ही वहाँ से चले गए। फिर एक दूसरे के बारे में हम बहुत बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। हम बहुत खुश थे। उसका ये बेबाक अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। काफ़ी देर इधर उधर टहलने के बाद वो मुझे अपने घर ले गई और कहने लगी, अरे आप तो ब्लश कर रहे हैं। होता है होता है, पहला प्यार है ना आपका। और आपका? मेरा। काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर हमने डांस भी किया।
देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक ख्वाब था, और इस दुनिया में किसी ना किसी के तो ख्वाब पूरे होने चाहिए ना। इसलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो सकें। मैं जानती हूँ तुम बहुत टाइम से मुझसे प्यार करते हो, मेरे पीछे हो, मेरी केयर करते हो, पर मुझसे कह नहीं पाए। पर मैं तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं हूँ। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, आसमान को मुट्ठी में कैद कर लेना चाहती हूँ, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। लेकिन मेरी बात भी तो सुनो। पर If you really love me, please leave me. ठीक है, रो मत यार, अपने आप को संभालो। अच्छा, कॉल आया, मुझे जाना होगा। रोना मत, तो संभाल लेगा ना? पक्का? पक्का, पक्का। मुझे जाना होगा, बाय। फर्स्ट एड यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। थैंक यू। वेटर, वन कैपेचिनो विद ब्राउन शुगर।